अवैध रूप से चलाया जा रहे कार पार्किंग को आज प्रशासन की टीम ने सील कर दिया है। जिस वक्त प्रशासन की टीम पार्किंग स्थल को सील कर रही थी, उस वक्त वहां पर काफी विरोध हुए, जिसके चलते वहां पर हंगामे की सी स्थिति बनी रही। प्रशासन का कहना है कि उन्होंने इस अवैध पार्किंग को हटाने के लिए पहले ही नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन फिर भी पार्किंग को नहीं हटाया गया। जबकि पार्किंग मालिक का आरोप है कि उन्हें किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं मिला, जगह उनकी है, वो अपनी जगह पर लोगों की गाड़ियां खड़ी करवा सकते हैं। सील की इस कार्रवाई के चलते धामपुर में काफी वक्त तक हंगामा चलता रहा। प्रशासन की टीम अपने साथ वेल्डिंग वाले को लेकर आई थी, जिसके जरिए उस जगह पर वेल्डिंग करवाकर दरवाजे को सील कर दिया गया। गुंडागर्दी ऑर्डर तो दीजिए ना, हम मांग तो रहे हैं आपसे ऑर्डर। आप क्या गुंडागर्दी करेंगे यहाँ पर? अब हमें ऑर्डर दीजिए ना, मुझे ऑर्डर चाहिए। ऑर्डर की कॉपी आप लोग को रिसीव हो चुकी थी पहले ही। कब हुई? वो तो केस चल रहा है सर, वो नियम क्या चल रहा है? आप ये लिख के दे दीजिए ना, एक महीने पहले का ऑर्डर है वो, आप वो लिख के दे दीजिए। बिल्कुल कर देंगे, क्योंकि चल रहा है डीएम साहब के आगे। आप ये मांगा है किस ऑर्डर से आप यहाँ पर सीज करने आए? आप किसी मांगने से नहीं होता, क्या मतलब आपके करने से सब होगा? आपका गुंडागर्दी चल रही है? गुंडागर्दी नहीं कोई चल रही है। और क्या चल रही है ये? क्या चल रही है ये? मतलब आप एक महीने का ऑर्डर है, सुन लीजिए, आप एक महीने का ऑर्डर है, उसके बाद हमने हमारी अपील सब चल रही है, उसके बाद आ गए हैं आप बिना ऑर्डर लिए सीज करने के लिए। कहाँ है सीज करने का ऑर्डर? कहाँ है? मैं तो सीज करने का ऑर्डर मांग रही हूँ आपसे, जवाब ही नहीं है किसी के पास। अब क्यों मुंह सील गए सबके? मुझे सीज करने का ऑर्डर चाहिए। कहाँ किस पे यहाँ पे आप ये सीज कर रहे हैं? ऑर्डर चाहिए मुझे। वीडियो बना, मुझे वो ऑर्डर चाहिए जिस भी यहाँ पे आप सीज करना है। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप सोच रहे हैं कि वो नहीं है, हम कुछ भी कर लेंगे, गुंडागर्दी कर लेंगे, कैसे भी दबा लेंगे किसी को। अल्लाह, आपने कोई भी ऑर्डर कराया, अगर एक महीने करा है तो आप सीज करने का ऑर्डर देंगे? नहीं आगे किसी के घर में भी घुस जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। अब क्यों मुंह सील गए सबके? मुझे सीज करने वाला ऑर्डर चाहिए। क्यों सीज करने का ऑर्डर? जब मिल जाएगा तब करिएगा। इसको आप वो करना चाहो क्या है भाई? देखिए ऐसा है, जब तक आप जिस दिन मिल जाएगा हमें लिखित आदेश में, आप जो भी करना था आप करिए। आदेश आपको भेजा गया है, आप पढ़ो। जेल में कहाँ दिया है? आपके जेल में गया? जेल में गया तो सस्ती कस्ट का आगे दिया है। सीज का कहाँ दिया हमने लिखित आदेश? इसको भैया जो कुछ निकालना, अब हमें उसका आदेश दीजिए ना। 21 तारीख को ही है, क्यों ले गए उनको 26 तारीख में? जवाब चाहिए मुझे इसका। जब FIR 21 तारीख को ही है, उन्हें 26 तारीख में क्यों उठाया गया है? और अब ये खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है पार्किंग में, और वहाँ पर हमारे मंडप पे कि आपने मंडप कैसे बना लिया, आपने पार्किंग कैसे बना लिया? अरे हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, हम क्यों नहीं बनाएंगे उसमें? यहाँ पर तो हमने कुछ नहीं करा, ये तो पहले का क्रेशर है हमारा, बना हुआ सब कुछ है। ये सब खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, हमारी सुनवाई करने को नहीं, उन्हें जेल में बंद कर दिया, अब यहाँ पर हमें परेशान किया जा रहा है। एक जने की बात सुन के जो जना अगर शिकायत कर रहा है तो आप उसकी बात सुनोगे? हमारी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है। अब आपका अगला कदम क्या होगा बेटा? अब तो कोर्ट में जाएंगे और क्या करेंगे हम, बताइए। हमें न्याय देने वाला, जैसे सर पहले कोर्ट में गए थे, हम भी कोर्ट में जाएंगे और क्या, न्याय लेने के लिए जाएंगे हम कोर्ट में, बताइए। और कौन है हमारे साथ? कोई भी टाइम की प्रॉपर्टी है ये? कितने टाइम से ये प्रॉपर्टी आपके पास? बहुत टाइम से है, क्रेशर चल रहा है तब से है। अब छोड़ना है? कितने साल हो गए? अब हम छोटे छोटे थे, छोटे बच्चे, तब से है यहाँ पर क्रेशर चल रहा है। तहसील की टीम आपकी पार्किंग को सील करने आए हैं, क्या मामला है पूरा? ऐसा है सर, ना तो हमारे पास इसका कोई नोटिस आया सील के लिए कि आप हमें आज हम सील करने जा रहे हैं, और इसकी ना हमें कोई जानकारी पहले से मिली। हमारा कहना यह है कि अगर आप कोई सील करने जा रहे हैं या कोई है तो इसकी आप हमें पहले जानकारी को देते और हमें समय दिया जाता, जिससे कि हम गाड़ी जो जी खड़ी है उनको कहते जी ऐसे यहाँ से आप गाड़ी हटा लीजिए। कोई हमको जानकारी, कोई रिटर्न में हमें नोटिस नहीं दिया गया।
तो आप उसकी भी ऐसे कैसे सील कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसका मैटर चल रहा है डीएम साहब के यहाँ, जब डीएम साहब के यहाँ मैटर चल रहा है और वहाँ पे हमने अपील कर रखी है उसके लिए, तो जब तक डीएम साहब के यहाँ से अपील खारिज नहीं हो जाए या ऑर्डर ना हो जाए तब तक आप उसको कैसे सील कर सकते हैं। क्या आज ये कोई नोटिस वगैरह कोई कागज लेके आए हैं सील करने का? हमारे पास कोई ना कागज लेके नहीं आए ना कोई नोटिस लेके आए। हम जब हमें ये मालूम चला सुबह कि ऐसे थे ये सीज करने जा रहे हैं, हम एसडीएम साहब के पास गए और मेरे साथ वकील साहब भी गए, दो वकील साहब गए। हमने उनसे पूछा, मैंने ऐसे थे आप सीज करने का सुना है कि सीज करने जा रहे हैं, तो मैडम साहब ने कहा कि हाँ हम इसको सीज करने जा रहे हैं। हमने कहा सर अच्छा कोई आपके पास आदेश है रिटर्न में कोई कॉपी है? बोले नहीं कोई रिटर्न में कॉपी नहीं है, एसडीएम साहब का मौखिक आदेश है, इसके उपरांत हम इसको सीज कर रहे हैं। ये कहते उन्होंने कहा कि मौखिक आदेश उन्होंने कहा है, मौखिक आदेश से हम इसको सीज करते हैं। अच्छा क्या प्रशासन का यह कहना है कि क्या जो आपने कार पार्किंग का जो संचालन कर रखा है इसकी परमिशन ले रखी? उनका कहना यह है कि यहाँ पे जो है तीन हॉल कमरों का अवैध निर्माण किया गया, जबकि मौके पे आप खुद भी मौजूद हैं, यहाँ पे कोई भी तीन हॉल कमरे बने हुए नहीं है, शेल्टर पड़ा हुआ है, शेल्टर का कोई अवैध निर्माण हमने किया हुआ नहीं है। प्रेशर के टाइम पे फिर शेल्टर पड़ा हुआ है, केवल हमने रंग रोगन कराया है। नहीं बात टीन सेट की नहीं है, बात अवैध पार्किंग की है। अवैध पार्किंग की कोई भी पार्किंग हो उसके लिए तो परमिशन की जरूरत होती है, क्या आपके द्वारा परमिशन ली गई विधिवत तरीके से? नहीं अवैध पार्किंग के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। जरूर पड़ती है प्रशासन अगर कोई परमिशन की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए परमिशन की जो भी होगी वो हम ले लेंगे, लेकिन ये कहना कि जी अवैध हॉल निर्माण कर रखे हैं, तो अवैध हॉल निर्माण तो हमारा कोई है ही नहीं। वही उनका ये कहना है कि अवैध हॉल निर्माण कर रखे हैं आपने टीम, जिस पे उन्होंने हमको नोटिस भेजा, अवैध हॉल निर्माण तो कोई है ही नहीं भैया।